खबर रीवा से है, जहां सिख समुदाय के लोगों ने लोहरी पर्व का आयोजन किया। इस दौरान सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि लोहरी का पर्व हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस प्रकार 13 जनवरी को लोहरी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस समय से दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। लोहरी के दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और खुशी मनाते हैं। इस दिन सभी लोग नाचते व गाते भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ और सुनाते हैं धर्मावलंबियों ने त्यौहार के संबंध में क्या जानकारी दी है। धन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी नूं हाजर नाजर जान दे, आप जी दे चरणा तुला पास अरदास भाणे सुखा भला। वाहिगुरु जी करीवादी समूह साध संगत सतगुरु जी लोहड़ियां दी खुशियां मनांदे, सतगुरु जी अरदासां जोतड़ियां बेनतियां करवाउंदे ने। कृपा करनी महाराज शीत ऋतु से ग्रीष्म की ओर आता है, तो फिर मौसम चेंज होता है। संक्रांति है तो उस दिन फिर मतलब मौसम के हिसाब से मनाई जाती है। उसका उद्देश्य कुछ होगा? उद्देश्य मतलब जिनके यहाँ शादी हुई होती है या बच्चे पैदा नए आए हुए होते हैं, उनके यहाँ बहुत उद्देश्य होता है। बच्चे जा जा के लोहड़ी मांगते हैं, जाके घरों में फिर लोहड़ी जलाते हैं और नाच गाना होता है। कुल मिला के खुद खुशियों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राज्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है, कैसे मनाया जाता है? हर साल लोहड़ी मनाया जाता है। इसलिए क्यों मनाया जाता है? ये नए साल के मतलब फिर मनाया जाता है कि नए साल मतलब जो है कि आते वनते की चल रहा है,